नमस्ते सभी को। हिंदी में हम लोग अब चर्चा शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग अभ्यास दो कर रहे हैं। अभ्यास दो में स्वयं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग स्टेप टू पे कल चर्चा कर रहे थे। स्टेप वन पे हम लोग ने मैं और शरीर इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग पहचानने का प्रयास किया। तो ये दिखता है कि मैं स्वयं को देख पाता हूँ अपनी क्रियाओं के आधार पर और मैं शरीर को देख पाता हूँ शरीर से मिलने वाली संवेदना के आधार पर। और ये भी एक निष्कर्ष आया था कि मैं और शरीर ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। और ये भी बात हुई थी कि हम इसे अपने आप में ऑब्जर्व करते हैं, इसके बारे में हम अपने आप में और स्पष्ट होने का काम करते रहे। उसके साथ ही अब स्टेप टू में हम मैं और शरीर के बीच जो सूचना का आदान प्रदान हो रहा है उसको देख रहे हैं। तो दिखता है कि मैं शरीर को संकेत देता हूँ और वो संकेत एक सूचना है। वैसे ही शरीर से मुझे संकेत मिलते हैं संवेदना के रूप में और मैं इसको पढ़ता हूँ। तो मैं शरीर को जो सूचना देता हूँ संकेत के रूप में वो समय समय पर देता हूँ, आवश्यकता अनुसार देता हूँ। और ये एक सूचना मात्र है जो संकेत मैं देता हूँ। वैसे शरीर से जो मुझे संवेदना मिल रही है वो भी मैं समय समय पढ़ता हूँ आवश्यकता अनुसार। शरीर में क्रियाएं तो हो रही हैं परंतु मैं उसको पढ़ता हूँ आवश्यकता अनुसार। और जो संवेदना मिल रही है वो भी एक सूचना है। और मेरे और शरीर के बीच कोई भौतिक रासायनिक वस्तु का आदान प्रदान नहीं है, सिर्फ सूचना का आदान प्रदान है। इस बात को कल हम लोग ऑब्जर्व करते रहे। इसी क्रम में हम लोगों ने ब्रेन को लेकर भी डिस्कस किया था। इसी क्रम में हमने शरीर में होने वाली संवेदना को भी स्टडी किया था, ध्यान दिया था कि शरीर के हर अंग में संवेदना हो रही है, हर कोशिका में संवेदना हो रही है। मैं ध्यान देता हूँ तो मुझे दिखाई देने लगता है, ध्यान नहीं देता हूँ दिखाई नहीं देता। कैसा लगता है कि शरीर सोया हुआ है परंतु मैं जब ध्यान देता हूँ तो पाता हूँ कि शरीर के उस अंग में भी संवेदना हो रही है। तो इसके असाइनमेंट ग्रुप में देखें तो ये है कि स्वयं द्वारा शरीर को दिए जा रहे संकेतों को देखना है, शरीर में हो रही संवेदनाओं को देखना है। क्या मैं इन संवेदनाओं को हर क्षण पढ़ रहा हूँ, क्या कभी कभी पढ़ रहा हूँ, क्या शरीर में होने वाली हर संवेदना को पढ़ रहा हूँ या उनमें से कुछ संवेदनाओं को ही पढ़ रहा हूँ, और इन संवेदनाओं को पढ़ने का आधार क्या है। तो दिन में किसी भी समय किसी कार्य को धीमी गति से करना है और देखना है कि मैं और शरीर में किस तरह से सूचना का, ये बात आज हम लोग और डिस्कस करेंगे इसको, है ना, और इसे देखना है स्वयं। तो एक इसमें अभ्यास ये है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उससे अब थोड़ा धीमी गति में कर लें, जो भी हरकत कर रहे हैं उसे हम धीमी गति से कर लें और हम देखें कि क्या वहां पे मेरा कुछ संकेत शामिल है कि नहीं। इसमें आपको ये भी दिखाई देगा कि बहुत सारी चीज हम रिफ्लेक्स एक्शन मानते हैं, ऐसा हो सकता है कि वहां भी मेरा निर्णय है। तो आंख के सामने मक्खी आ गई, हमने पलके झुका दी, ये भी हमारा एक निर्णय ही है, ऐसा नहीं कि बिना निर्णय के हो गया। हम बैठे हैं, बैठे बैठे पैर हिला रहे, ये भी हमारा निर्णय ही है, ये सब भी मेरा निर्णय ही है। तो इस बात को अपने आप में और बारीकी से ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से शरीर में होने वाली हर हरकत में मेरा निर्णय शामिल है। इसको अपने आप में हम ऑब्जर्व करें। कल दिन भर के ऑब्जर्वेशन से अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो उसको ले सकते हैं। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते। सभी को नमस्ते। मेरे अंदर ना भैया आपसे मैंने शेयर भी किया था, मेरे बेटे की शादी के बाद से बहुत विचार चलते थे, बहुत ज्यादा। मैं काम करती रहती थी लेकिन विचार चलते रहते थे, लेकिन मैंने इनको हमेशा देखने का निर्णय बनाए रखा। विरोध का विचार नहीं था लेकिन कुछ भी करते हुए ये चलता रहता था, ये बच्चे उठते क्यों नहीं है, ये जाते क्यों नहीं है, फिर देर से उठेंगे, फिर जल्दबाजी करेंगे, ऐसे मन में सोचती रहती थी। लेकिन सजग होकर के उनको देखती रहती थी, लेकिन व्यवहार में मैं वही करती थी कि बेटा उठ जा, देर हो जाएगी, 8 बज गए, 9 बज गए, 9:30 बज गए। मतलब उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती, मैं बाहर नहीं करती थी, अंदर मेरे चलता रहता था कि देखो अब देर से उठे हैं, अब नाश्ता करके करे भी ना चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
लेकिन बोलती मैं उस मतलब उसको कार्य व्यवहार में नहीं लाती थी। काफी लंबे समय बाद ऑब्जर्व करते करते अभी 5-6 दिन पहले क्या होना शुरू हुआ है कि अब मेरे मन में ये विचार तो खैर नहीं आते, कंटिन्यू नहीं आते, कभी कभी आते हैं, लेकिन 5-6 दिन पहले क्या हुआ कि जैसे मेरी बहू बीमार हुई, वो अपने रूम में लेटी रहती थी, तो मैं पूछती थी उससे नाश्ता खाना है, खाना खाना है, फ्रूट काट दूं, दवाई लेके आना है तो दवाई लेने चल पड़, दवाई लेने चले जा, इस तरह से मैं पूछती रहती थी। लेकिन अभी 4-5 दिन से मैंने क्या अभ्यास शुरू किया, और मन में ये सोचती थी भाई मैं उसके रूम में क्यों जाऊं, वो आराम करना चाह रही होगी, सोना चाह रही होगी। 4-5 दिन से मैंने क्या किया कि मैं नाश्ता बनाती हूँ और उसके रूम में जा करके बैठ जाती हूँ और वहीं मैं नाश्ता करती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, पूछती हूँ उससे, वो खाती है तो ठीक है, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं बेटा, खाने का मन नहीं है, जब तबीयत ठीक हो तब खाना। मैं उसके रूम में ही जा करके बैठ जाती हूँ, खाना खाना, फिर उससे धीरे धीरे बात करनी मैंने शुरू की, उसके पास लेटना, उसके साथ बैठना शुरू किया। तब उसने थोड़ी बहुत मतलब और एक गहरी बात बतानी शुरू की। तब एक दिन उसने मुझे बताया कि मम्मी डैडी परसों इनको कह रहे थे ना, कह रही मेरे तो वैसे माइग्रेन का दर्द हो ही रहा था, मैं इसलिए नहीं गई, लेकिन जब डैडी इनको सुबह कह रहे थे ना कि भाई इसकी कितनी भी प्रॉब्लम हो, ये तेरे तेरे को अकेले नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए ये तेरे साथ चल पड़ती है, कह रही वो बात नहीं है, मैं इसलिए चली जाती हूँ क्योंकि मैं वहां जाती हूँ, कोर्ट जाती हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, और मैं यहाँ रूम में रहती हूँ तो मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरे दर्द हो रहा है, मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है। तो उसने बहुत सारी वो बातें करनी शुरू करी जो हमारे प्रति वो ऑब्जर्व करती थी, कहती ऐसे आपको ये बात बताते हैं, आप उनको सुन लेती हो और मेरे बारे में सोच लेती हो कि मैं ऐसी हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, जब वो मेरे को बात बता रहा होता है तो मैं उसकी बात सुनती हूँ, क्योंकि मुझे ये दिखाई देता है कि इस समय इसका बताने का मूड है, अगर मैं उस समय समझाने लग जाऊंगी तो वो अपनी पूरी बात नहीं बता पाएगा, इसलिए मैं आराम से सुनती हूँ उसकी बात। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि अब ये मेरे से सुनने के मूड में है, अब ये मेरे से समझने के मूड में है, तो मैं उसको समझाती हूँ, तो कहती अच्छा, कहती मैं तो ये सोचती थी कि आप इनकी बात सुनते हो, आराम से चुपचाप सुनते रहते हो, इसलिए मेरे बारे में सोचते रहते होंगे कुछ कुछ। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आता कि जो ये बात बता रहे हैं उतनी ही बात है, मुझे ये लगता ही है कि नहीं तेरी बात को भी सुनने की जरूरत है, जब तू बताएगी तो तेरी भी सुनी जाएगी। तो 3-4 दिन से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो लोग हमारे रूम में आ जाते थे, लेकिन हमने अपने आप को ये बांध रखा था कि हम उनके रूम में नहीं जाएंगे। अब जैसे कल हम चाय पी रहे थे तो बेटे ने कहा कि मम्मी यहीं आके, डैडी यहीं आके चाय पी लो, तो पहले तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम यहाँ आ जाओ, फिर उसके बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट बाद इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, फिर कह रहे अच्छा ठीक है हम लोग वहीं आते हैं चाय पीने के लिए। तो एक जो दीवार सी हमारे अंदर बनी हुई थी उसको जब हमने ऑब्जर्व किया तो हम अपने आप ये देख पाए कि इसको हम बड़ी आसानी से हम अपने सोचों में, अपनी मान्यताओं में ये मानकर बैठेंगे नहीं ये लोग यहाँ आएंगे बैठेंगे। तो 3-4 दिन से बड़ा अच्छा लग रहा है, अपने आप को भी अच्छा लग रहा है, और लंबी ऑब्जर्वेशन थी इसलिए मैंने शुरू में रेज एंड कर दिया। मैंने कहा कल जो मैंने इसका निर्णय लिया ना अपने विचार को कि ये जो विचार मेरे चल रहे हैं इनको उसी समय बात करके खत्म किया जाए, अब मेरे मन में कोई विचार 3-4 दिन से कोई विचार नहीं चलते, कोई भी बात नहीं चलती, मैं एकदम निर्णय ले लेती हूँ कि मुझे क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, बस ये मुझे शेयरिंग करनी थी। बढ़िया दीदी, इसमें ये भी देख लें कि अगर उनके माइग्रेन का कोई उपचार हो सकता है तो काफी अच्छा रहेगा। प्राकृतिक उपचार से भी कई बार ठीक हो जाते हैं। हाँ वो भी हम देख रहे हैं। जी, और साथ में यदि बैठने का और इन तरह के मुद्दों पे चर्चा करने का अगर अवसर अवसर मिले जहां हम संबंध को लेकर, व्यवस्था को लेकर बात कर सकें। जी नमस्ते। भैया ये सेल्फ और बॉडी को देखने का जो प्रयास चल रहा है इसमें मेरी समझ में जितना आया कि सेल्फ की एक्टिविटी में जो इमेजिनेशन का पार्ट है, अभी तो मैं प्री कंडीशनिंग सेंसेशन को ही मेरा इवैल्यूएशन चल रहा है, तो
क्या इसके ऊपर उठना है, मतलब नेचुरल एक्सेप्टेंस की तरफ जाना है, यही सेल्फ को रियलाइज करने का प्रयास है क्या भैया? मतलब इसी तरह सोचना है क्या उसको नेचुरल एक्सेप्टेंस के लिए? देखिए, मूल बात तो है कि हमको इसकी आवश्यकता दिख जाए कि मैं निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहती हूँ, और उस क्रम में मैं और शरीर का अंतर स्पष्ट होना जरूरी है। तो जब ये आवश्यकता स्पष्ट होती है तो हम ध्यान देने लगते हैं, हम उधर ध्यान देते हैं जहां हमें आवश्यकता लगती है। तो अगर इसकी आवश्यकता लगती है तो हम इस पर ध्यान देने लगते हैं। उस क्रम में हमको सहज स्वीकृति पे भी ध्यान जाता है, मान्यताओं का भी मूल्यांकन होता है, संवेदनाओं का भी मूल्यांकन होता है। हाँ भैया, अभी तो मुझे मतलब जब से ये मॉर्निंग सेशन कर रहे हैं तो पहले अपोजिशन का भाव के ऊपर काम हुआ, अभी तो मुझे प्रीकंडीशनिंग्स मुझे दिखाई देती है। जब भी विचार होता है तो सोचती हूँ कि ये प्रीकंडीशनिंग है या नेचुरल एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहा है। तो बहुत सारी प्रीकंडीशनिंग भी है, सेंसेशन से भी बहुत सारे काम होते हैं, ये समझ में आ रहा है जो पहले नहीं होता था। मतलब पहले तो बिल्कुल ही नहीं समझ रहा था, तो यही प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है ना भैया? मतलब मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ उसे कंटिन्यू करके ही सेल्फ और बॉडी को अलग, सेल्फ तो फीलिंग ही होगी ना भैया, देखना एज सच मटेरियल नहीं है तो फीलिंग के तौर पे ही हम उसे देख पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अभी जो पिछले दिनों में सारी चर्चा हुई, हाँ, तो होता ना कि फीलिंग शरीर में हो रहा है कि शरीर से बाहर हो रहा है, तो शरीर को तो शरीर की तरह, मैं को मैं की तरह देखना तो बनता ही है। नहीं तो क्या होता है, ये मैं और शरीर के बीच का जो कंफ्यूजन है वो बना ही रहता है। तो फीलिंग ऊपर भी उठना है, फीलिंग ऊपर भी उठना है उसको। अच्छा, हाँ, तो अभ्यास एक में हमने भाव को देखने का अभ्यास किया, भाव में परिमार्जन का अभ्यास किया, बट ये भी देखना कि भाव है कहाँ। तो ऐसा हो सकता है कि अभी हमको बहुत स्पष्ट नहीं है, हमको लग रहा है कि हमने सुना है कि बाहर है, मैं में है, परंतु ऐसा लग सकता है कि ये शरीर में ही हो रहा है। कोई आकर कल को कह दे कि ब्रेन पे एक नया रिसर्च हुआ है और ये दिखाई दिया है कि कैसे कैसे हार्मोन के सिक्रेशन से कैसे कैसे इमोशंस तैयार होते हैं, ठीक, तो हम और अधिक मानने लगते हैं कि हाँ ये इमोशन जो है वो सेल्फ में ही है, बॉडी में ही है, और ये ब्रेन का आउटकम है। तो क्या हुआ, जब तक हम अपने आप को शरीर से भिन्न न देख लें तब तक कोई भी सूचना हमको प्रभावित कर सकती है। तो ठीक है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है बॉडी में, उससे हमारे भाव पे प्रभाव पड़ता है, विचार पे प्रभाव पड़ता है, और हमें जो भाव विचार होता है उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक तो ठीक है। बट ये भाव मुझ में है कि शरीर में, ये तो समझना बनता है। तो साइंस में इस बात को तो ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि मैं में हो रहा है कि शरीर में हो रहा है, वो देखते हैं शरीर में किस परिवर्तन से व्यक्ति के आचरण में किस तरह का परिवर्तन हुआ। क्रोध आया तो उसके अंदर जो भी है ना शरीर में संवेदनाएं बनी वो किस प्रकार बनी, उसको मेजर कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि इस तरह के हार्मोन से इस तरह का रिएक्शन आता है, तो उसको करेक्ट कर लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उतने भर में काम करते रहते हैं। बट मैं में हो रहा है शरीर में हो रहा है वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो अगर हम इस बात को अपने आप में स्पष्ट रूप में ना देख पाए तो कोई भी नई सूचना आती है और हम उसको मानने लगते हैं, या जो हमने पहले से माना हुआ है ठीक उस पर हमको डाउट होने लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली माना हुआ है जाना तो है नहीं। इसलिए बात हो रही है कि इसको स्पष्ट रूप से जान ले, इसको देख ले, समझ ले, है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट इश्यू है। अभ्यास एक में हमने भाव को देखने का अभ्यास किया, परंतु यह स्पष्ट नहीं हुआ कि भाव मुझ में हो रहा है या ये शरीर का ही कोई प्रभाव है। एक्चुअली भैया एक मतलब ऐसे कहा जाता है, या ये इन्फॉर्मेशन ही है मेरे पास कि हमें लेडीज को मूड स्विंग होता है पर्टिकुलर पीरियड्स के पहले, या तो वो हार्मोनल सिक्रीशन की वजह से ही होता है ऐसे ही बताया जाता है। तो आप शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए, यही सब हम फॉलो करते हैं। तो इसको भी मैं कैसे ऑब्जर्व करूं भैया कि वो हो रहा है बॉडी में, उसका हाँ। मुझे दिख रहा है मुझ पे और मुझे शांत रहना है उस फेज में, तो ये तो बॉडी की ही सिक्रीशन की वजह से हो रहा है ऐसे इंफॉर्मेशन है, तो इसे मैं कैसे समझूं भैया?
जी, तो बॉडी में ये सिक्रेशन हो रहा है, परंतु इसका प्रभाव जो आप पे पड़ रहा है, उस प्रभाव को तो हम देख सकते हैं। तो जो हम लोग अभ्यास में बात करते रहे कि अभी हम दो तरह से प्रभावित होते रहते हैं, दूसरे से मिलने वाले भाव से या शरीर से मिलने वाली संवेदना से। हाँ, तो आप पाएंगे मूड स्विंग शरीर में होने वाले किसी संवेदना से भी हो पाता है, और जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाए, ऐसे ऐसे व्यक्ति के लिए हमें कोई काम करना पड़े जिसके प्रति विरोध का भाव है, तो भी हमारा मूड स्विंग करता है, बदल जाता है कि नहीं। तो ये तो दोनों ही तरह से होता है, हो कहाँ रहा है ये देखना है। इसमें दो बातें हैं, एक तो ये देखना है कि ये जिसको अभी हम मूड कह रहे हैं वो कहाँ पे है, मैं में है या शरीर में, ठीक है ना। और दूसरा, जिस प्रकार से स्विंग हो रहा है, दूसरे से मिलने वाले भाव से या शरीर से मिलने वाली संवेदना से, उसको अध्ययन करेंगे। तो क्या है, शरीर में कोई संवेदना हो रही है, ठीक है, और उस संवेदना को मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पूरी तरह से नहीं देख पा रहा हूँ। उसका जो मुझ पे प्रभाव पड़ रहा है, उससे कारण कल्पनाशीलता में परिवर्तन हो रहा है। अदरवाइज हमको पहले से दिखता है कि हाँ, शरीर में इस तरह का परिवर्तन होता है। और आप पाएंगे सिर्फ इसी तरह का नहीं, जैसे चल जाते कोई आपके पैर पे पैर रख दे, है ना, इस ठंड में पैर की उंगलियां दब जाए और देखिए उसे तीव्र गुस्सा आ जाए उस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है ना। हाँ भैया, मैं इसको ऑब्जर्व करती हूँ। तो आप देखेंगे कि जी, आप देखेंगे सिर्फ यही नहीं, कोई भी अगर शरीर पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, तो हो सकता है कि हमारे विचार में भाव में परिवर्तन हो जाता हो। तो ये जो शरीर से मैं संवेदनाओं को पढ़ रहा हूँ, उसको ठीक से अध्ययन करना है। और जिसको हम मूड भी कह रहे हैं ना, वो मूड भी क्या है, तो आप पाएंगे कि ये यूनिवर्सल नहीं है। तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि मूड स्विंग, कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ बहुत इंटेंसिव होता है, किसी के साथ सुपरफिशियल होता है। हाँ भैया, हाँ देखना, मैं ऑब्जर्व करती हूँ भैया इसको। जी बढ़िया बढ़िया दीदी, धन्यवाद जी। एक एक विचार चल रहा था, केयरिंग भी, कि जैसे क्यों की रीजनिंग जब पूरी हो जाएगी, तो कैसे और कितना की जो बात है, फिर वाकई में वो ऐसे ही लगता है कि शब्द ही रहेंगे, वो सूचना ही रहेगी। मतलब फिर जैसे भी हम बहुत सारी बातों को मतलब अपने भाव विचारों में उल्टा पुल्टा चलाते रहते शब्द सुन के, लेकिन वो मैं देख पा रहा हूँ कि क्यों की रीजनिंग अगर पूरी होती है अंदर विचारों में, तो कैसे और कितना की सारी सूचना ही रह जाती है, फिर वो शब्द ही रह जाते हैं सूचना के रूप में। जी भैया, अब थोड़ा सा क्या हुआ, एक नई तरह का ये शब्दों का प्रयोग है। तो देखिए, क्यों का अर्थ अगर भाव है, तो क्यों शब्द जो है भाव से जुड़ा है, तो ठीक है कि अगर हमारे अंदर भाव की निश्चितता हो, तो विचार में उथल पुथल घटता जाता है, और यदि पूरी तरह से भाव स्पष्ट हो गए हैं, दिख गया है, वास्तविकता दिख गई है, तो उसमें एक निश्चितता निरंतरता विचारों में बनी रहती है। परंतु जब हम निर्वाह करने जाते हैं दूसरे मनुष्य के साथ, तो हम उससे डिटेलिंग तो करते ही हैं, तो भाव स्पष्ट होने के साथ भी हम विचार तो करते ही हैं कि हमें कैसे निर्वाह करना है ना। अगर हमें भोजन भी लेना है तो कितना भोजन लेना है, तो सारा हम विचार करेंगे। परंतु क्या है, पहले अलग अलग ढंग से प्रभावित हो रहे थे। तो अगर जैसे भोजन में हम ये तय न कर पाए कि स्वास्थ्य के अर्थ में लेना है या स्वाद के अर्थ में, क्यों तय न हो अगर, तो भोजन की मात्रा प्रभावित हो जाती है उससे। कोई स्वादिष्ट वस्तु सामने आ गई, हम ज्यादा भोजन लेने को तत्पर हो जाते हैं। अगर स्वाद थोड़ा ठीक नहीं है, जितना आवश्यक है उतना भी नहीं लेते हैं। अगर भाव ठीक नहीं है, अपना भी भाव ठीक नहीं है अगर, तो हो सकता है कि आवश्यकता है शरीर में भोजन की, परंतु हम नहीं लेते हैं, गुस्सा करके बैठ गए, रूठ के बैठ गए, तो ये सारा कुछ हो सकता है। तो अगर भाव निश्चित होता है, तो ये तो ठीक है, कल्पनाशीलता में जो मात्रा को लेकर विचार करना है, डिटेलिंग आउट करना है, वो कम समय में निश्चित विधि से पूरा हो जाता है। यहाँ तक ठीक जी भैया, बढ़िया जी, बढ़िया भैया। सर, जब बॉडी को मैं संकेत दे रहा हूँ, ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जब ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि मैं चल रहा हूँ या मैं बॉडी में हाथ हिला रहा हूँ, तो इन सब मूवमेंट को जब देखने जाते हैं, तो उस टाइम पे बॉडी मूवमेंट स्टॉप हो रहा है, सर इस पर मार्गदर्शन चाहिए। तो क्या हुआ, अभी हम बहुत सारी चीजों को फोर्सफुली करने का जो प्रयास करते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। तो आप नेचुरली देखिए, जैसे ठंड लग रही है, ठीक, आपने हाथ उठा के जेब में डाल दिया, अब उसको थोड़ा आप स्टडी करिए। तो शरीर में कोई संवेदना हुई ठंड की, और आपके अंदर ये भाव बना हुआ है कि शरीर को संरक्षण देना है,
शरीर को बचा के रखना ठंड से, नहीं तो कठिनाई होगी। तो आप हाथ लेकर जेब में डाल लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद फिर होता है कोई सामने से आ गया है ना, उसे हाथ मिलाना है, उसी ठंड में फिर आप जेब से हाथ निकालते हैं, उसे हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, फिर उसको जेब में डाल लेते हैं। अब ये सारा निर्णय तो हमारे अंदर हो ही रहा है ना, और ये निर्णय मैं में हो रहा है, उसी के साथ ही हाथ का मूवमेंट हो रहा है। तो अभी आप ऐसा कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा 10 मिनट का समय लगा के करते हैं, कि इन 10 मिनट में हम कोई भी अगर घर का कार्य है वो करें, बट बहुत धीमी गति से करें, उसको ऑब्जर्व करें। और बहुत सारी चीजें जो हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं बट शरीर से हरकत हो रही होती है, हमारा सिर हिल रहा है, हमारा पैर हिल रहा है, पोस्चर बदल रहे हैं, ठीक, ठंड से बचाने के लिए हरकत कर रहे हैं, सुबह उठ के कुछ हरकत कर रहे हैं, चल देते घड़ी पे टाइम देख लिया सिर घुमाकर, है ना, मोबाइल उठा के देख लिया कोई मैसेज तो नहीं है, ये बहुत सारा कुछ हम जो गतिविधि करते हैं, जैसे कि ऐसा कहा जाए कि आपके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है ना, और आपके शरीर की गतिविधियों को स्टडी किया जा रहा है। तो उस तरह से अपने आप को ऑब्जर्व करना है, कहीं खाज खुजली हो गई तो आप खाज खुजली कर रहे हैं, ठीक है, आप मुड़ रहे हैं, झुक रहे हैं, बैठ रहे हैं, अब इन सबको ऑब्जर्व करें और देखें कि इनमें आपका निर्णय शामिल है कि नहीं शरीर की इन हरकतों में। जी सर, इसको करके देखिए। तो अभी क्या होता है कि जब आप जो करना है रुक जाता है हरकत, वो इसलिए क्योंकि हमको लगता है एक बार में एक ही काम होगा, या तो मैं निर्णय लूंगा और अपने आप को देखूंगा या फिर शरीर से काम होगा, बट आपको पता लगेगा कि जब भी शरीर से काम हो रहा है उसमें मेरा निर्णय शामिल हो रहा है कि नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अगर भयभीत हो या घबरा रहा हो, कहीं इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ है, ठीक, पता नहीं निष्कर्ष क्या होगा, जॉब लगेगी नहीं लगी, अब देखियो बैठे बैठे आदमी पैर हिला रहा है, ठीक, घबराहट में। अब उससे कोई कहे कि भाई तुम पैर निर्णय पूर्वक हिला रहे हो क्या, तो क्या मैं क्यों हिलाऊंगा भाई, मुझे तो इंटरव्यू देने जाना है, बट वो पैर हिल रहा है निर्णय से ही, उसके अंदर जो भय का भाव है, घबराहट है, उसके कारण पैर हिल रहा है कि नहीं। जी, तो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें, हम लोग 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं, इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। भैया ऑब्जर्वेशन स्लाइड लगा दीजिएगा। इस 10 मिनट में हम लोग कोई भी अगर काम करना हो तो करें, परंतु उसको बहुत धीमी गति से करें और देखें कि मैं किस तरह से शरीर को संकेत दे रहा हूं। जी, तो पिछले 10 मिनट में जो हमने ऑब्जर्व किया उसको लेकर यदि कोई शेयरिंग हो, कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। इस तरह से हम आज दिन भर जो भी हरकत कर रहे हैं शरीर से उसको ध्यान से देख सकते हैं। अभी हम लोग पिछले दिनों में ये भी देखते रहे कि शरीर के हर अंग में संवेदना हो रही है और उसको मैं निर्णयपूर्वक पढ़ता हूँ। अब ये भी देखना अपने को कि जो भी हरकत मैं करता हूँ शरीर से उसमें मेरा निर्णय शामिल है, तभी वो हरकत हो रहा है। तो इस यहाँ मुझे ये बोलना है कि मुझे ये क्लियर कट बहुत बार दिख पाता है कि मैं और शरीर तो बहुत अलग है, रादर मुझे मैं को बहुत बार शरीर के पास लेके आना पड़ता है। जब मैंने तो सोच भाव मेरे कुछ अलग और मैं मैकेनिकली हाथ पैर हिलाती रहती हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि मैं भटक जाता है और शरीर में मुझे वो वापस लाना पड़ता है जब मैं योगा करती हूँ। जब आप ये कह रही हैं कि मैं कहीं और चला जाता है, हाँ, है ना, इसका मतलब कि आप मैं को कल्पनाशीलता मात्र मान रही हैं, कि कल्पनाशीलता की वस्तु बदल गई तो आपको लगता है मैं कहीं और चला गया, इसका मतलब मैं को देखना नहीं हो रहा, सिर्फ कल्पनाशीलता को देखना हो रहा है। अच्छा, तो मैं में कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता की वस्तु स्थान रूप में कहीं की भी हो सकती है, समय में कहीं भी की हो सकती है, जैसे हमें पास्ट का भी कोई चीज ध्यान में आ जाए, है ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पास्ट में चला गया, मैं तो हूँ शरीर के साथ, इस क्षण हूँ, वर्तमान में हूँ, परंतु तो मेरी कल्पनाशीलता की वस्तु कोई पास्ट की घटना है, वैसे ही कोई भविष्य की घटना याद आ जाए या भविष्य की घटना पर ध्यान चला जाए, कि 3 दिन बाद कोई अतिथि आने वाले हैं, है ना, और उनके लिए मुझे तैयारी करनी है, तो कोई भविष्य की घटना होने वाली है और इसको लेकर हम विचार करने लगे, ये सब तो मैं में जो कल्पनाशीलता चल रही है, जो विचार चल रहा है उसका मुद्दा है, ये मैं को देखना नहीं है। मैं को देखने की जब बात कह रहे हैं
मतलब मैं में कल्पनाशीलता यहाँ तक ठीक है, बट मैं शरीर के साथ हूँ जब कह रहे हैं और मैं शरीर से भिन्न हूँ ये कह रहे हैं, तो मैं को तो एक इकाई के रूप में देखना बनता है। ये थोड़ा उसके कल्पनाशीलता को देखते हुए ही हम उसको देखेंगे, तो थोड़े आगे की बात है। तो अभी मैं को शरीर से भिन्न देखना हो सकता है ना हो पा रहा हूँ, क्योंकि कल्पनाशीलता चल रही इतना तो देख पा रहे हैं। अभी कल्पनाशीलता शरीर में चल रही है या शरीर से बाहर चल रही है ये देखना शेष है। अच्छा, तो ऐसा भी हम मान सकते हैं कि भाई ये शरीर में ही चल रहा है, ऐसा भी मान सकते हैं शरीर से बाहर चल रहा है, देखना तो नहीं हुआ। तो इसलिए आप देखें तो कल्पनाशीलता के बारे में तो हम लोग बात करते रहते हैं, ठीक है ना। करंट साइंस भी करता रहता है, बट वो कहता है ये सब ब्रेन में हो रहा है, ठीक, कोई कहता है ये सब है ना कहीं और हो रहा है। तो हम अपने आप इसको देखें कि कहाँ हो रहा है, शरीर में हो रहा है या शरीर से बाहर हो रहा है। तो कल्पनाशीलता पर ध्यान जा पा रहा है, ये अच्छी बात है। कल्पनाशीलता को देखते हुए मैं को भी देखना है एक इकाई के रूप में जो शरीर के साथ बना हुआ है। ये जितना जितना हमको स्पष्ट होगा, हमको आगे के स्टेप्स और स्पष्ट होंगे। और ये मैं और शरीर का अंतर स्पष्ट होना तो बहुत ही मौलिक बात है, क्योंकि जब तक कि हमें ठीक से स्पष्ट ना हो जाए, किसी रूप में हम अपने आप को शरीर मानकर ही जीते रहते हैं। हमारे अंदर भय का भाव शरीर को लेकर बना रहता है, हमारे भाव शरीर से प्रभावित रहते हैं। तो जो बात शुरू हुई थी जहां से कि सुख स्वभाव है कि प्रभाव है, तो यदि हम अपने आप को शरीर माने रहते हैं तो शरीर में होने वाली घटनाओं से हम प्रभावित होते ही रहते हैं। या तो उस प्रभाव से बचने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, परंतु यदि हमें स्पष्ट हो जाए कि शरीर में हो रही घटना है, मैं में नहीं, शरीर सामयिक है मैं नहीं, ठीक, तो ये बहुत सारा जो हमारे अंदर मान्यता बन जाता है अपने आप को सामयिक मानकर, टेम्पररी मानकर, ठीक, उन सब चीजों से हम निकल पाते हैं। तो अभी हम अपने आप को शरीर माने तो भी मान्यता है, शरीर से भिन्न माने तो भी मान्यता है, कुछ और मान ले वो भी मान्यता है, जब तक कि हमने स्वयं देख नहीं लिया, जान नहीं लिया। वो काम अपने को करना है कि मैं अपने आप को शरीर से भिन्न देख पाऊं। जी जी और आज का जो आपने अभी बोला था कि कोई भी काम आप धीमी गति से करें जी, और देखिए कि मैं किस तरह शरीर को संकेत दे रहा है, तो ये मैंने योग, जो कि योगा हम धीमी गति से ही करते हैं, तो और धीमी गति से जो किया और जो देखा वो ठीक है कि वो भी गलत है? नहीं, वो ठीक है, वो करें, वो ठीक है जी। आप धीमी गति से अभी करके देख रही हैं ताकि आपको निर्णय का पता लगे, उसमें भी और होश बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे आप योगा बहुत धीमी गति से कर रही हैं, है ना, अपने बॉडी को हवा में आधे भाग को फ्लोट किया हुआ है। अब उसके बाद शरीर से जो संवेदना आ रही है वो आपको बहुत तीव्र लग रही है, तुरंत नहीं लगता है भाई शरीर को नीचे झुका दो, जैसे आपने पैर उठा लिया, धड़ जमीन पे है, पैर को आप होल्ड नहीं कर पा रहे दो मिनट बाद हवा में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि ये जो पैर झुकाने का निर्णय लिया भी मेरा था जी, है ना जी। और यदि पैर झुकाते समय जमीन से टकरा गया और चोट लग गई, उसका तुरंत उठ के बैठ गए देखने के लिए कि चोट तो नहीं लगी या क्या हो गया, ये भी निर्णय मेरा था। तो जी, तो इसको अगर हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो दिन भर में जो कुछ भी करने वाले हैं ये हमको दिखाई देगा कि जो भी शरीर से मैं हरकत कर रहा हूँ उसमें तो मेरा निर्णय शामिल है। शरीर में क्रियाएं हो रही है वो ठीक है, क्रियाओं को अगर मैं पढ़ रहा हूँ उसमें भी मेरा निर्णय शामिल है, ये अपने को दिखाई देगा। तो yes, आपको दिखाई देगा कि मुझमें और शरीर में आदान प्रदान हो रहा है जी, मैं निर्णय लेता हूँ, शरीर को देता हूँ संकेत के रूप में, शरीर में जो संवेदना हो रही है मैं निर्णय लेता हूँ और उसको पढ़ता हूँ, और ये सूचना का आदान प्रदान मेरे शरीर के हो रहा होता है आवश्यकता अनुसार। बराबर जी 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 भैया, धन्यवाद। बढ़िया दीदी, कहीं और कोई प्रश्न हो तो शेयरिंग हो तो रख सकते हैं इस 10 मिनट का ऑब्जर्वेशन से। तो इन दोनों ही बातों को ऑब्जर्व करें, एक तो ये कि जो भी आप शरीर से हरकत कर रहे हैं उसमें आप देखें किस तरह सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, और शरीर में जो भी संवेदना हो रही है आप उसको ध्यान दें, तो देखेंगे कि जब हम ध्यान देते हैं उस अंग पे हम उसको पढ़ पाते हैं, उसको देख पाते हैं। तो आपको दिखाई देगा कि शरीर के हर अंग में, हर कोशिका में, हर भाग में संवेदना हो रही है। मैं ध्यान देता हूँ, पढ़ता हूँ, इसको भी जोड़ लें अभ्यास में, ठीक है ना। तो शरीर को मैं संकेत दे रहा हूँ किसी भी हरकत के लिए, और
शरीर के हर अंग में क्रिया तो हो रही है, संवेदना हो रही है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ या उस पर ध्यान दे रहा हूँ। भैया मेरा प्रश्न ये है कि मैं संवेदना को अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, परंतु मैं ब्रेन के माध्यम से मैं पढ़ रहा हूँ और मैं स्वयं अलग हूँ ब्रेन से, वो मैं या शरीर से ये नहीं समझ पा रहा हूँ, तो इसको कैसे मैं डिस्टिंक्शन क्रिएट करूँ समझने में? हाँ, इसको तो स्वयं में देखने की बात है। आप देखें इसको, आगे जो हम स्टेप्स करेंगे और की दूरी को देखने का प्रयास करेंगे, मुझमें और संवेदना में दूरी है, उसमें और हेल्प करेगा। परंतु अपने आप में इसको ओपन रखें कि मैं क्या हूँ, उसको देखें। इस पे यदि कोई रेडीमेड आंसर दिया जाए तो हो सकता है फिर एक सूचना के रूप में आती है और हम उसको मानने लगते हैं। इसको बिल्कुल ओपन रख के देखें, ठीक है ना, कि हमें किसी पहले से तय किए गए निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है, बस देखें शरीर क्या है, शरीर कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। जी भैया, मैंने ये भी देखने का प्रयास किया कि शरीर में जो दर्द की संवेदना है वो उसके माध्यम से मैं उसको आगे प्रोसीड करने का प्रयास करूं, उसको ट्रैक कर सकूं कि वो आगे कहाँ जा रहा है। तो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि संवेदना जो है दर्द के स्तर पर वही स्टकअप हो गई है कि दर्द है या नहीं है, तो उसको उस प्रक्रिया में अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। तो मैं जैसा आपने मार्गदर्शन किया उसको और इंटेंसिवली ऑब्जर्व करने का प्रयास करूं। देखिए जहां तक ये दर्द का मुद्दा है ना, तो उसमें देख लें कि शरीर में कोई डैमेज ना हो जाए, तो उसका कोई उपचार करना तो कर ले, परंतु दर्द की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे आप शरीर किसी अंग पे ध्यान ले जाइए, ठीक है ना, आपने हाथ के अंगूठे पे ले जाइए, आपको लगता है तो सो रहा है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें कोई संवेदना नहीं है जी, पर आप ध्यान दीजिए, आपको धीरे धीरे एक एक कोशिका में संवेदना पता लगेगी। आपको दिखेगा कि शरीर के उस अंग में कुछ कंपन हो रहा है, कंपन हो रहा है मतलब संकुचन हो रहा है, प्रसारण हो रहा है। तो आप जब उसको ध्यान से देखेंगे तो हाथ के अंगूठे में भी आपको संकुचन प्रसारण दिखाई देगा। अगर हम बहुत मोटे मोटे स्तर पे देखें तो जैसे हृदय है उसे संकुचन प्रसारण हो रहा है, ठीक है ना, पेट है संकुचन प्रसारण हो रहा है, फेफड़े हैं संकुचन प्रसारण हो रहा है। यही संकुचन प्रसारण आपको शरीर की हर कोशिका में दिखाई देने लगता है ध्यान देते हैं तो। जी ऐसी स्थिति में भी हम आ पाते हैं जहां हम पूरा शरीर को देख पाते हैं कि कैसे पूरे शरीर में ही संवेदनाएं हो रही है, संकुचन प्रसारण हो रहा है, बिल्कुल पॉसिबल है ना। तो उसको हम देखें, तो कोई शरीर में दर्द हो रहा तभी हम उसको देखें, वहां पे मैं कहूंगा कि उसको तो इलाज कर ले ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई डैमेज हो जाए, कोई लंबा डैमेज हो जाए। परंतु अभी हम आराम से देखें, जैसे कई बार अभ्यास कराते हैं तो लोग इसमें भी शुरू करते हैं कि अपने नाक को देखिए, ठीक अभी लगता है कि नाक में तो कुछ नहीं हो रहा, बट नाक को देखेंगे आप तो पाएंगे कि जहां से सांस आ रही है जा रही है वहां पर ठंड और गर्मी की संवेदना हो रही है। फिर नाक को भी आप ठीक से देखेंगे तो वहां पाएंगे आपकी वहां पे कोशिकाओं में संकुचन प्रसारण हो रहा है, नाक के और होठ के बीच का जो हिस्सा है वहां पे भी कुछ चल रहा है। फिर आप धीरे धीरे पूरे शरीर को देख लीजिए, शरीर के हर अंग को देख लीजिए नीचे से ऊपर तक कि नहीं, तो आपको शरीर के हर अंग में संवेदना दिखाई देगी। जी ये प्रारंभ है, ये शरीर जैसे हार्ट का पल्स और बॉडी के जो फ्लो है या हरकत है वो सब तो आसानी से देखा जाता है, लेकिन बस जैसा आपने बताया डिस्टिंक्शन पे और अभी फोकस करना है कि वो शरीर ही नहीं कर रहा है या ब्रेन मैसेज नहीं दे रहा, जो इंस्ट्रक्शंस जो है उसका ओरिजिन जो है वहां से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मींस ट्रैक इज विजिबल लेकिन उसका कनेक्ट बॉडी से है या सेल्फ से है, हाँ उस पर जैसे आपने बताया और स्वयं पर ऑब्जर्व करेंगे। जी भैया जी 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 बढ़िया भैया, नमस्ते भैया, धन्यवाद भैया, नमस्ते। देखिए अपने आप में ये ऑब्जर्व करने का एक प्रवृत्ति बन जाए कि मुझे मानना नहीं मुझे देखना है। जी जी तो मैं अपने आप में देखूं, वास्तविकता को देखूं, है ना, शरीर को भी मैं ठीक से देखूं ये है क्या। जी ठीक, धीरे धीरे तो हम ये भी कर सकते हैं कि पूरी प्रकृति की हर इकाई को हम बस देखें ये है क्या, टेबल है चेयर है ये है क्या, मुझे मानना नहीं है। और मैं ये भी अपने आप में पूछूं कि इसको मैंने कितना जाना है अभी तक, क्या जाना है इसके बारे में, कुछ जाना भी है कि नहीं जाना है, तो शरीर के बारे में क्या जान लिया मैंने, मैं के बारे में, स्वयं के बारे में क्या जान लिया मैंने,
ये जो आसपास वस्तु है इनके बारे में क्या जान लिया मैंने, कुछ जाना है कि नहीं, क्या हम मानकर ही चल रहे हैं? अभी क्या हो रहा है कि हमने टेबल को छुआ है ना, कुर्सी को छुआ और हमें जिस तरह की संवेदना मिली, हम कहते ठोस है ये, ठीक जी। फिर हम इस पर बैठ के देखा, जिस तरह की संवेदना मिली, हाँ इस पर बैठा जा सकता है। टेबल का टूटता हुआ दृश्य नहीं दिखाई दिया, कहते इस पर बैठा जा सकता है। टेबल वही कोई सॉफ्ट सा है, बैठे टूट गया तो कहते इस पर बैठा नहीं जा सकता। तो अभी हमारा जो ऑब्जर्वेशन भी रहता है ना, वो रूप और गुण तक रहता है, बाकी वस्तुओं के प्रति भी, शरीर के प्रति भी। अब अपने बारे में जब हम रूप और गुण को देखने जाते हैं तो रूप का तो पता नहीं चलता, ठीक है, जबकि ऐसा हो सकता है सब भी एक रूप है। तो रूप के बारे में हमको डाउट बना रहता है, कंफ्यूजन रहता है। तो पहला कंफ्यूजन हमारा यहीं से शुरू हो जाता है कि बाकी जो जड़ वस्तुएं हैं जिनके मैं संवेदना का आस्वादन करके एक निष्कर्ष निकाल पाता हूँ, वो निष्कर्ष मैं रूप के बारे में क्योंकि नहीं देख पा रहा हूं मैं, को इसे नहीं निकाल पाता हूं। तो यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि ये जो कुछ चल रहा है ना, वो मुझ में चल रहा है या शरीर में चल रहा है। शरीर का तो रूप पता लग रहा है, बाकी वस्तुओं का रूप पता लग रहा है, मेरा तो रूप दिख नहीं रहा, पता नहीं लग रहा है। तो फिर हम सोचते हैं कि चलो भाई रूप तो नहीं दिखेगा, गुण पे आ जाते हैं। तो फिर हम अपने भाव विचार पे ध्यान देते हैं, कल्पनाशीलता पे ध्यान देते हैं, ठीक। वहां कुछ बातें पकड़ में आती हैं कि मेरा ऐसा गुण है, अवगुण है। गुण मतलब परस्परता में जो प्रभाव है, मैं कैसे प्रभावित होता हूँ, मैं कैसे प्रभावित करता हूँ, इसको तो हम फिर भी स्टडी करने लगते हैं। रूप का हमको होश नहीं रहता। बाकी जड़ वस्तुओं का क्या है कि रूप का जल्दी होश हो जाता है, ठीक। गुण के बारे में हमको विचार करना पड़ता है, निष्कर्ष निकालना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है, तो हम उसको निकाल पाते हैं निष्कर्ष। तो ये एक अंतर बना रहता है। इसीलिए अपने बारे में बात करना हो तो हम गुण के बारे में जल्दी बात कर लेते हैं, बाकी वस्तुओं के बारे में बात करना हो हम रूप के बारे में जल्दी बात कर लेते हैं। बट ठीक से देखिए तो हमारा जो पूरा स्टडी है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं के रूप और गुण तक सीमित है, और अपने गुण तक सीमित है, रूप को भी नहीं देख पाए और बाकी का तो पता ही नहीं है। ये अभी हमारी योग्यता की सीमा बन जाती है जी, है ना। तो इस चीज को अपने आप में हमको ऑब्जर्व करना है, इस चीज को हमको समझना है कि अगर ये सीमा है तो मुझे अपने आप में क्या काम करना है। तो हम अपने रूप को भी देख सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर मैं शरीर के साथ हूं और मैं सीमित आकार का हूं तो कोई रूप तो होगा। डेफिनेटली कुछ तो होना चाहिए, है ना, सोर्स तो है कुछ ना कुछ। रैशनल बेसिस पे कह सकते हैं कि वही रूप तो कोई है, अदरवाइज वो शरीर का ही कोई प्रभाव है। तब तो अगर कोई रूप नहीं है, कोई अलग से वास्तविकता नहीं है, तो शरीर का ही कोई प्रभाव है जिसको मैं गुण के रूप में पहचान ले रहा हूँ, बट रूप कोई है नहीं उसका। यहाँ पे हम बहुत बार उलझ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें जो हमको सुनने को मिलती है परंपरा से, उसमें भी हम कई बार इस पर उलझ जाते हैं। तो अधिक से अधिक गुणों की बात होती रहती है, ठीक है ना, और रूप की बात ठीक से नहीं हो पाती है। और जो गुणों की बात होती है उसमें पूरी स्पष्टता नहीं बन पाती है। स्वभाव धर्म परम धर्म कहें, यानी संबंध व्यवस्था संस्तित्व कहें, तो उसके बारे में फिर हम अनुमान लगाते रहते हैं। काफी हद तक हम निष्कर्ष भी पहुंच पाते हैं अपने आप पर, परंतु अनुमान के स्तर पर रहता है और मानने में बना रहता है, जानना नहीं हो पाता उसका। जी भैया जी, धन्यवाद भैया, धन्यवाद जी, नमस्ते। बढ़िया भैया, सूचना यह भी है कि मैं शरीर में पुंजाकार के रूप में रहता है, लेकिन अनुभव ऐसा कुछ भी नहीं है। वही तो, ये जैसे हमें जो सूचना मिली है उसको हम जांचें, जैसे पुंजाकार हमने कुछ सुना है, ठीक, उस पुंजाकार को देखें। पुंजाकार का मतलब एक आकार है उसका, आकार है मतलब रूप है उसका, है ना, और रूप इकाई का ही है। तो मैं इकाई हूं, मैं हर जगह फैला हुआ नहीं हूं, ठीक। इसको आप ऑब्जर्व करें तो हमें सूचना तो मिल गई है, प्रस्ताव मिल गए हैं, ढेर सारी सूचनाएं मिली है, उसको अपने आप में ऑब्जर्व करना है कैसा है कि नहीं, उसको देखें हम। तो वही तो नहीं देख रहा भैया, उसके लिए कौन सी विधि है? देखिए, देखने का एक ही विधि है, उसकी आवश्यकता दिख जाए, उसकी आवश्यकता स्पष्ट हो जाए, हमको लगता है कि आवश्यक है हम देख पाएंगे, हमको लगता है कि नहीं अभी दूसरी चीजें ज्यादा आवश्यक है तो नहीं देख पाते हैं। प्रायोरिटी अगर बन जाए तो देख लेते हैं। वो तो देखिए क्या होता है कि हमारे अंदर इच्छा तो है, बट दूसरी जो इच्छाएं से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्या जो आवश्यकता है इससे ज्यादा हायर प्रायोरिटी की होती है।
तो नहीं देख पाते हैं। अगर हमको लगे कि ये प्रायोरिटी है मेरी जी, इसको देखे बगैर सुखपूर्वक जीना नहीं हो पाएगा, ये तो एक अनिवार्य बात है ना, अनिवार्य उसकी मुद्दा है, इसको ध्यान देंगे तो देख लेंगे। वो प्रायोरिटी नहीं बन पाती तो नहीं देख पाते। जब मुझ में देखने की क्षमता है, मुझे स्वयं को ही देखना है, तो रुकावट कहाँ है? सिर्फ मेरे मानने में, मेरे प्रायोरिटी में, वो प्रायोरिटी बन जाएगी, देख लेंगे। प्रायोरिटी नहीं बनती, नहीं देखते। और उसके साथ ये भी होता है, कुछ हमारे अंदर शंका भय भी रहता है कि ऐसा ना हो जाए कि इस प्रयास में शरीर में कोई लंबा नुकसान हो जाए, संबंध का कोई नुकसान हो जाए, सुविधा का कोई नुकसान हो जाए। तो एक तरफ तो प्रायोरिटी नहीं बनती, दूसरी तरफ इस तरह की शंका भय भी लगे रहते हैं। तो आज हम इस अभ्यास को करें, है ना, ये असाइनमेंट है अपने लिए। तो शरीर में होने वाली संवेदना को देखना है, शरीर के हर अंग में हो रही संवेदना को देखना है। और जो हम लोगों ने अभी किसी कार्य को धीरे धीरे करते हुए देखा कि कैसे मैं शरीर को संकेत दे रहा हूँ, है ना, उसको भी देखना है। इस अभ्यास को हम दिन भर करें आज, इससे और होश बनेगा। देखिए, इतनी जो चर्चा हो रही है और जो बार बार ध्यानाकर्षण हो रहा है, उसका एक पर्पज तो यह है ही कि हमारी प्रायोरिटी बन जाए स्वयं को देखने की, कि नहीं।